भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा, जबकि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव करवाने हैं। आपको बता दें, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी NDA आम चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी NDA इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल और 20 मई तक 5 चरणों में मतदान होगा। वहीं राजस्थान की सभी 25 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में होंगे। 12 सीटों के लिए पहला चरण 19 को होगा और 13 सीटों के लिए दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। महाराष्ट्र के 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव का आयोजन 5 चरणों में किया जाएगा। आपको बता दें, वहीं बिहार में 18वीं लोकसभा के लिए बिहार में कुल 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होंगी। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि देश में किसी भी राज्य में नहीं है। पंजाब में 7वें चरण में और चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 मई को तीसरे चरण में होगी। वहीं वोटों की गिनती एक साथ ही 4 जून को होगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चुनाव का आयोजन 3 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी बताया कि दिल्ली में 26 मई को छठे चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा।